गुजरात विश्वविद्यालय के 66 दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री ओम प्रकाश कोहली जी, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पांड्या जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को आज के शुभ दिन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत बधाई। बापू की जन्मस्थली गुजरात और उनके कर्मठ और संघर्षमय जीवन के केंद्र बिंदु अहमदाबाद, यहाँ पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और उससे भी बड़ी बात ये कि इस विश्वविद्यालय के युवा छात्रों के बीच आकर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ी है। हम सब लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में अहमदाबाद की एक खास पहचान बन गई है। पिछली जुलाई में यूनेस्को की हेरिटेज समिति के सभी देशों ने एक स्वर से अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किए जाने का समर्थन किया था। मैं कह सकता हूं कि ये पहला अवसर था जब भारत के किसी शहर को ये गौरव प्राप्त हुआ। ये हम सभी देशवासियों और विशेषकर गुजरात और अहमदाबाद के निवासियों के लिए गौरव की बात है। जिन मापदंडों पर अहमदाबाद को ये दर्जा दिया गया उनमें इस शहर की ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ यहाँ के लोगों का आपसी सौहार्द और साझा संस्कृति शामिल है। साथ ही समिति ने इस बात को खास अहमियत दी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद भारत के अहिंसापूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। इस प्रकार ये सभी मानवीय मूल्य इस शहर की अमूर्त धरोहर का हिस्सा है। मैं आप सबसे आज के शुभ अवसर पर ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी सामाजिक सौहार्द और अहिंसा के इन मूल्यों को अपने जीवन में न केवल ढालेंगे बल्कि इनका प्रचार प्रसार भी करते रहेंगे। सहयोग और बंधुता पर आधारित विकास आप सभी का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हेरिटेज सिटी होने के साथ साथ अहमदाबाद स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन की यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होगी। आज चीन, जापान, इजराइल जैसे अनेक देशों के प्रमुख अहमदाबाद आते हैं और यहाँ की संस्कृति विरासत को देखकर प्रभावित भी होते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाएं और विकास के लिए अनुकूल वातावरण इस शहर को और अधिक आकर्षक बनाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, जिनका एंकर ने उल्लेख किया, श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी के प्रयासों से हुए गुजरात के विकास के कारण इस राज्य को आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त हुआ है।
गुजरात राज्य की सराहनीय उपलब्धियों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। टेक्नोलॉजी और नई पद्धतियों के जरिए अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयास में यहाँ के विद्यार्थियों को भी अपने उद्यम द्वारा योगदान देने के अवसर उपलब्ध हैं। मुझे आशा है कि आप सब इन अवसरों का भरपूर उपयोग करेंगे। आज इस विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र उन्होंने जीवन की कठिनाइयों के बीच अपनी राह बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की यात्रा तय की। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों से विश्व समुदाय को जोड़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के विकास, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के द्वारा 21वीं सदी के युवाओं के लिए नए रास्ते खोले। उन रास्तों पर चलते हुए आप सभी युवा गुजरात और भारत के विकास की नई इबारत लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के हर छात्र के लिए आत्मबल और राष्ट्र चेतना के बहुत ही ऊंचे आदर्श प्रस्तुत किए हैं। वो इसी विश्वविद्यालय के एक एलुमनाई के छात्र रहे। मैं भी जब गैलरी से गुजर रहा था तो मुझे उनका चित्र भी देखा, कस्तूरी रंगन जी का भी देखा और अन्य कई लोगों के, उनमें आपके अमित शाह जी हैं, सारा भाई देसाई भी थे, अन्य लोग भी थे। और यहाँ पर जो मुझे बताया गया कि कलाम साहब का भी शायद आना हुआ था कभी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देश के ये दो महान महापुरुष, कलाम साहब की एक बात हम कह रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग, ये दोनों व्यक्तियों की पृष्ठभूमि एक ही है। बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड और पुअर बैकग्राउंड। कलाम साहब के बारे में कहते हैं कि हम सब लोग जानते हैं वो रामेश्वरम तमिलनाडु का एक बिल्कुल कॉर्नर का क्षेत्र है, वहाँ पर पैदा हुए। उनको कॉलेज जाने के लिए और कॉलेज में पढ़ने के लिए उनकी फैमिली दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड, और उसका उन्होंने एक तरीका निकाला कलाम साहब ने। उन्होंने कहा कि हम सुबह मॉर्निंग में अखबार भेजेंगे, अखबार भेजने के बाद में जो उससे पैसा मिलेगा, जो भी उसकी प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट के बेस पर हम इस कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक वो सोच, और वो कॉलेज जब जाते थे, पहले भी मैं उस क्षेत्र में गया हूँ लेकिन इस बार मैं विशेष रूप से उस क्षेत्र में गया और वो मैंने देखने का प्रयास किया कि कलाम साहब अपने घर से अर्थात रामेश्वरम से, और उस का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसका नाम है रामनाथ कोविंद, उसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। और कलाम साहब के पास वो साधन भी नहीं थे कि वो ट्रेन से डेली या बस के द्वारा चल सकते, तो ही इज टू ट्रैवल ऑन साइकिल डेली, 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर वापस आना। इस बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड मैंने जानबूझ करके आपको उल्लेख किया कि शायद आज हम में से जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, शायद उनके पास इतनी कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में तो सभी जानते हैं कि उनको जो एक उपाधि दी गई है, चाय वाला प्रधानमंत्री, और मुझे नहीं लगता है कि आप में से यहाँ पर कोई किसी को चाय बेचने का सुअवसर मिला हो, या मिला भी हो तो आपके पैतृक कोई दुकान हो तो बात दूसरी है, लेकिन मैंने दोनों बातों का उल्लेख जानबूझ करके किया।
यदि ये दो व्यक्ति और इसी देश के, एक व्यक्ति तो आपका अपना ही है जो कि इसी धरती में पला बढ़ा और यहीं से शिक्षा हासिल की और यहाँ से निकल करके, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा आपको प्रेरणा और क्या मिल सकती है। और इसीलिए मैं दोनों के लिए मैं कभी कभी कहता हूँ, कलाम साहब अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली ही वॉज माई प्रेडिसेसर, राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे वो एक अलग बात है, बट ही वॉज बेसिकली ए साइंटिस्ट, तो मैं उनको स्पेस साइंटिस्ट कहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को मैं सोशल साइंटिस्ट कहता हूँ। साइंटिस्ट जो है वो पीछे नहीं देखता है, वो आगे देखता है, आगे की दुनिया को देखता है। और जो लोग इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं तो मुझे लगता है कि शायद बिना प्रभावित हुए कोई नहीं उनसे रह सकता। और ये जानबूझ करके आज मैंने इन दो महापुरुषों का नाम लिया, उल्लेख किया, क्योंकि ये जो पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। और कोशिश ये करिए कि इन दोनों को पीछे छोड़ दीजिए, छूट सकते हैं, यू कैन, बसते कि वो इस डेडिकेशन, ऑनेस्टी और जो एक श्रद्धा का भाव होता है उसको लेकर के आप बढ़ें। अगर भटक गए कहीं तो फिर उसके लिए कोई भी विकल्प नहीं बचता। उसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ आज खड़े हैं उससे भी हम नीचे जा सकते हैं, इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन और छात्रों का सौभाग्य है कि वर्तमान हमारे राज्यपाल महोदय के रूप में आप सबको एक ऐसे कुलाधिपति मिले हैं जिनका सतत मार्गदर्शन मिलता है, जो एक श्रेष्ठ शिक्षाविद हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता की पूरी दुनिया में सराहना होती है। हाल ही में भारत ने अपने 100वें उपग्रह को लॉन्च किया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई और उन्हें आगे ले जाने वाले, इस प्रथा को और आगे ले जाने वाले डॉक्टर कस्तूरी रंगन, वो भी शायद यहीं से थे। मुझे जब कलाम साहब का मैंने उल्लेख किया था तो मुझे बताया गया था कि इस विश्वविद्यालय के परिसर में वो 2 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे और रिसर्च का काम किया था। मुझे इन सब बातों का उल्लेख करते हुए और एलुमनाई की जब मैंने बात की तो मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि एलुमनाई एसोसिएशन को अब और सक्रिय बनाया जा रहा है, बनाना भी चाहिए। यहाँ की एलुमनाई लिस्ट में अनेक सफल और प्रेरक लोगों के नाम हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन पूर्व छात्रों के अनुभव और सहयोग से लाभ लेते हुए आप सब विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर अपना कारोबार करने के क्षेत्र में, सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। सफल प्रवासी भारतीयों में गुजरात के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। इन प्रवासियों में भी इस विश्वविद्यालय के अनेक पूर्व छात्र हैं। आप सब दुनिया भर में फैले हुए इन सफल पूर्व छात्रों में अपने मार्गदर्शकों को ढूंढ भी सकते हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय की स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल द्वारा अनेक नए उद्यमों को सहायता दी जा रही है। काउंसिल ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्थापना की गई, विद्यार्थियों को सक्षम बनाने की दिशा में ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि एम्प्लॉयबिलिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और निजी उद्यम के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना आज के विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। गुजरात में स्वरोजगार की संस्कृति पहले से ही काफ़ी मजबूत रही है।
ये गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्य होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। यहाँ के विद्यार्थी गुजरात के लोगों की उद्यमशीलता के अनगिनत उदाहरणों से प्रेरणा ले सकते हैं। अहमदाबाद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे संस्थान हैं। अभी हाल ही में भारत और इजराइल के प्रधानमंत्रियों ने यहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, जिसको ब्रीफ में कहते हैं iCreate, उसका उद्घाटन हुआ। इस सेंटर में भारत के युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आपको अपना उद्यम शुरू करने में सहायता देने के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं यहीं पर उपलब्ध हैं, आपको इन सभी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एक्सटेंशन रिसर्च एंड इनोवेशन के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले दौर में इनोवेशन सफलता का एक प्रमुख स्रोत होगा। आसपास के परिवेश की जरूरतों और संसाधनों से जुड़े हुए उपयोगी इनोवेशन करके आप सब अपना विकास करने के साथ साथ स्थानीय विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इससे आप सबको एक सार्थकता का अनुभव भी होगा। मुझे यह भी बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा ओलंपिक स्तर की सुविधाओं से युक्त सरदार पटेल स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण अंतिम चरण में है। विश्व स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का यह प्रयास सराहनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद अब आप व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आपने अब तक जो शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये फैसला आपको करना है। आपने जो लक्ष्य चुने होंगे या आप चुनेंगे वो भी आपका ही अपना निर्णय है, लेकिन आप जो भी करें उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और एकाग्रता के साथ करें। ऐसा प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं जाता। अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के साथ साथ उन्हें संवेदनशील भी बनाती है। ऐसी शिक्षा सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ नैतिकता के लिए आस्था भी जगाती है। नरसिंह मेहता और महात्मा गांधी के राज्य गुजरात में शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं से संवेदनशीलता, नैतिकता और मानव कल्याण के लिए योगदान देने की उम्मीद रखना स्वाभाविक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सफलता और नैतिकता के समन्वय की मिसालें कायम करेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है वो केवल आपका अपना ही नहीं, उसमें आपके परिवार, शुभचिंतकों, शिक्षकों, समाज और सरकार का भी कहीं न कहीं योगदान जरूर है। यह अब आपको सोचना है कि इन सभी को, विशेषकर समाज को, हाउ वी कैन पे बैक टू द सोसाइटी, किस प्रकार हम अपना योगदान दे सकेंगे ताकि हमने जो पाया है उसके बदले में हमारा जो दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, वो हम कैसे पूरा करेंगे। आप समाज के उन लोगों के बारे में खास तरीके से सोचें जो किन्हीं कारणों से शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रह गए। यह संवेदनशील सोच आपके दायरे को फैलाएगी और आपके व्यक्तिगत विकास में भी उपयोगी सिद्ध होगी। आज पदक विजेताओं में मुझे बताया गया कि 49 हमारे बेटे हैं और 86 हमारी बेटियां हैं। यानी पदक हासिल करने वाली बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में लगभग दोगुनी है। और यदि यही रफ्तार जारी रही
तो मुझे लगता है कि कभी कभी वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आरक्षण की बात की जाती है वो शायद हमारी बेटियां आरक्षण का वो मुद्दा बंद कर देंगी, बेटे आगे आएंगे कि हमें आरक्षण। और ये जो परंपरा है आपके केवल गुजरात में मुझे देखने को नहीं मिली। मैं जब बिहार में राज्यपाल था तो वहाँ पर भी कुलाधिपति के नाते कई विश्वविद्यालय थे, करीब 15-16 विश्वविद्यालय, उनमें जाने का अवसर मिलता था, मैंने देखा था यही एक ट्रेंड चला और बहुत अच्छा लग रहा। दिस रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर इंडिया कि आगे क्या होने वाला। और सही मायने में कभी कभी ये कहा जाता है कि किसी देश या समाज में हमारी बेटियों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, वो उसका पैरामीटर होता है, वो उसका मापदंड होता है। मैं इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय की भी विशेष सराहना करता हूँ। मैं सभी विश्वविद्यार्थियों को एक बार फिर बधाई देता हूँ जिन छात्र छात्राओं ने निरंतर परिश्रम करके पदक हासिल किए हैं, वो विशेष सराहना के पात्र हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जब मैं प्रातः आज दिल्ली से चला था तो एक दुखद समाचार भी मिला, और वो दिल्ली का दुखद समाचार कल का था लेकिन आज का समाचार मिला कि वडोदरा में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, उसमें आग लगने के कारण हमारे 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस पर मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं आप सबको राष्ट्रपति भवन में आने और उसे देखने का निमंत्रण भी देता हूँ। हमारे लोकतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति भवन है, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन आप सबका है, हर भारतीय का है। राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।